जो तुम्हें सताए तुम उसको मत सताओ, उसके लिए तुम मगफिरत की दुआ करो। क्यों? क्योंकि हम अपना बदला अगर खुदा के ऊपर भी छोड़ देंगे तो खुदा उसको नहीं माफ करेगा। हम कितना भी बदला ले लें मगर हम उतना बदला नहीं ले सकते जितना कि खुदा लेगा। इसलिए पिता ने मुहतरम हमें अपना बदला, हमें कोई सता रहा है हम उसे न सताएं, हमें कोई नहीं दे रहा हम उसे देने की कोशिश करें, हमें कोई तकलीफ दे रहा है हम अगर मौला के चाहने वाले हैं तो हम उसे तकलीफ न दें बल्कि और उसके साथ में अच्छाई करें। कहा जाता है कि इमाम के एक अस्हाब थे, अस्हाब बैठे हुए थे, एक सहाबी बैठे हुए थे, कुछ लोग आए और उनको गालियाँ देने लगे। वो उठे कहने लगे कि या मौला वो गालियाँ दे रहा है और बुरी बुरी बातें कर रहा है और मैं चुपका बैठा सुनता रहूँ। मौला ने कहा नहीं, तुम न जाना उसे जवाब न देना, वो जो कह रहा है कहने दो, वो कह रहा है उसकी जुबान नजिस हो रही है, वो गुनाहों में मुर्तकी होता जा रहा है, उसके नामे आमाल में गुनाह लिखे जा रहे हैं, तुम उसकी बात का जवाब ही न दो, तुम्हारे नामे आमाल में नेकी लिख जाएगी। कहा जाता है एक चुप सौ को हरा देती है। इंसान को बुरा भला कहा जा रहा है लेकिन अगर हम खुदा के लिए चुप रहेंगे तो वो चुप जो है एक चुप सौ को हरा देती है। वो बैठ गए इमाम की बात सुन के, वो तेज चिल्ला के चला गया लेकिन वो क्या लेके गया तेज चिल्ला के? अपने नामे आमाल में गुनाह बटोर के लेके गया लेकिन वो चुप रहा तो वो हारा नहीं, उसके नामे आमाल में सवाब लिखे गुरु देव मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अभी मोहतरम हमें ये देखना है कि खुदा क्या कह रहा है। खुदा कह रहा है तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे, तुम मेरी नेमतों का शुक्र करो मत शुक्र करो। तो आइए देखें क्या खुदा ये शर्त से याद करता है हमें कि हम खुदा को याद करेंगे तो खुदा हमें याद करेगा। हमारी आयत का मकसद हमारा तर्जुमा तो यही बता रहा है कि खुदा कह रहा है कि तुम हमें याद करो जब के पास में जब हम तुम्हें याद करें। तो अगर ये होता, ये आयत का तर्जुमा इस तरीके से होता तो हमने तो आज की दुनिया में बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो खुदा को भूल बैठे हैं। बहुत लोग कहते हुए नजर आए कि हमने तो मुसलमानों के खुदा को अपने शहर से दूर कर दिया है, अब मुसलमान का खुदा यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या खुदा उन्हें भूल गया? जैसे कि शद्दाद ने 950 साल खुदाई दावा किया, जैसे कि फिरौन ने 450 साल तलब के कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा और आला खुदा हूँ। तो अगर खुदा ये कह रहा है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा, तो वो जो शद्दाद फिरौन नमरूद बाकी जितने सब गुजरे हैं जालिम जाबिर बादशाह जो अपने आप को खुदा समझते थे, तो क्या खुदा उन्हें भूल गया? वो तो खुदा को याद नहीं करते थे। अगर खुदा उन्हें भूल जाता तो एक लम्हे से भी पहले वो नीस तो नाबूद हो जाते। लेकिन अजीबाने मोहतरम खुदा कहता है कि ये मेरा बंदा मुझे भूल गया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे ये नालायक मखलूक भी मुझे याद है। गुरुदेव मोहम्मद मोहम्मद सल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिरौन कौन था? साजे के एक बार मलकुल मौत से पूछा गया कि बताओ तुम सबकी रूहों को कब्ज करते हो, तुम्हें ऐसा कोई मोड़ आया कि तुम्हें किसी की रूह कब्ज करते वक्त तुम्हें अफसोस हुआ हो? उसने कहा कि मैं तो अपनी गलती से कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो खुदा की गलती से करता हूँ, मेरे थोड़ी उसमें कोई गुनाह है, लेकिन हाँ एक वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ था। कहा किस वक्त? कहा एक मरतबा एक कश्ती जो है दरिया में चली जा रही थी, तूफान आया, तूफान में पूरी कश्ती गर्क हो गई, उसमें से एक औरत जो थी उसका वो हामिला थी उसका